हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में खुशबरंजन। और आप सभी को जय गुरु। और आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं देखिए चना की पकौड़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे हरा चना का पकौड़ी बनता है, तो यहाँ मुझे नहीं मिला, तो मैं अभी हैदराबाद में हूँ तो यहाँ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने रात को ही चना भिगो के रख दिया था, तो उसमें सूखा चना की पकौड़ी बना रही हूँ। तो उसमें देखिए हमने बेसन और जो भी मसाले होते हैं वो सब हम डाल दिए हैं, जो रेगुलर बेसन मसाले में डालती हूँ वो सब मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और नॉर्मल जैसे पकौड़ी के लिए हम गूंथते हैं वैसे हम गूंथ लिए हैं। तो यहाँ पे और ये देखिए हरा मिर्च डाल दिए हैं, हरा मिर्च डालने से थोड़ा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप हरा मिर्च ज़रूर डालिएगा। मैं इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ क्योंकि हमने हरा मिर्च थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है, ऐसे भी हरा मिर्च मेरा तीखा नहीं है। तो आज के दिन बहुत चीज़ें बनती है, खाने का मन है तो जो खाने का मन है आप बना सकते हैं, बट पकौड़ी बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत वैरायटी में बनता है, आप जितने तरह का मर्जी उतने तरह का बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चम्मच इसमें सूजी डालूंगी, सूजी डालने से थोड़ा कड़क बनेगा, या आप चावल का भी आटा डाल सकते हैं, तो मेरे पास चावल का आटा नहीं इसलिए मैंने सूजी डाला। और ये देखिए बंदा गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ, तो इसमें बंदा गोभी कट करके और मिर्च दिया है और बेसन नमक जो भी है मसाले वो सब मैं डाल दूंगी, मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, इसमें भी मैंने मिर्च डाला है इसलिए मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। और जो डेली बेस में मसाले डालती हूँ वो सब मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो बहुत चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ आज के दिन, तो आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है बताइएगा। और मैं पुआ भी बनाऊंगी, एक्चुअली क्या है मेरे हस्बैंड को पुआ बहुत अच्छा, पुआ आप नहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, खाने का मन है तो बनाइए, तो मैं तो पुआ बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है पुआ, तो पुआ भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा डाला है, मैं इसलिए गेहूँ का आटा डाली ताकि मैं आपको बता सकूँ आप लोगों को कि गेहूँ का आटा डालने से भी थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है, अच्छा बनता है। तो यहाँ देखिए चाशनी हम ऑलरेडी बना के रख चुके हैं, चाशनी की रेसिपी हम मेरे वीडियो में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, दो तीन वीडियो में डाला हुआ है। और यहाँ देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है, और दो तरह की पकौड़ी के लिए मैंने एक चना का और एक बंदा गोभी का, तो ये देखिए हम मिला लिए हैं, तो इसे हम तलेंगे। और ये देखिए ब्रेड है, तो ब्रेड का भी पुआ बनाएंगे और सूजी का भी पुआ, सूजी मैदे का भी पुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को हम तिरछा यानी त्रिकोण हम इसको काट लेंगे, और जैसे सैंडविच हम बनाते हैं ना उस तरीके से, उसके बाद हम इसे तल के चाशनी में डुबो करके फिर खाने के लिए देंगे सबको। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रेड को तल रही हूँ, तो ब्रेड एकदम से रेड हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इस टाइप का जो आप सामने देख रहे होंगे इस कलर का हो जाए, उसके बाद आप चाशनी में डुबो दीजिए, उसके बाद इसे चाशनी से तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। देखिए मैं तुरंत निकाल ले रही हूँ प्लेट में, और फिर उसी तरीके से हम ब्रेड को तल लेंगे, और एकदम से बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। और फिर मैं देखिए पकौड़ी बना रही हूँ यहाँ, तो पकौड़ी तो आप लोग भी बनाते ही होंगे होली में, तो ऐसा पता नहीं सबके यहाँ क्या क्या बनता है, बट हमारे मैं बिहार से हूँ तो मेरे बिहार में जो नियम है मैं वही नियम मतलब वही रूल फॉलो कर रही हूँ, अलग से मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो हमारे यहाँ ये सब बनना कंपलसरी होता है, और रात को हमारे यहाँ यानी होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है, तो वो भी मैं कढ़ी चावल भी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी बन के तैयार हो गया है, तो इसी तरीके से हम पकौड़ियों को तल लेंगे। तो उसके बाद हम मैं
पुआ के लिए। फिर देखिए पुआ की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो पुआ की मालपुआ की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे देखिए मैदा सूजी को मिक्स किया है, तो मैं मुझे लगता है इसमें डिटेल से मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे है मालपुआ की रेसिपी, तो इस वजह से मैं आप लोग को डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। ये मैं गोभी और ब्रेड बैगन ये सब का मैं पकौड़ी बनाऊँगी, और मैं बना रही हूँ साथ में, बच्चे और हस्बैंड दोनों तीनों बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं वो लोग, मैं बना बना के दे रही हूँ, गरम गरम वो लोग खा रहे हैं। तो फिर मैं इसमें देखिए सब कुछ सब मसाले मिला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फिर पकौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं गोभी का पकौड़ी बना रही हूँ, यानी बन गया है, बहुत टेस्टी बना था, और देख भी सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं बैगन का बना लूँगी, उसके ब्रेड का आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, ब्रेड का भी मैं बनाई थी, सिंपल ही बनाया था, उसमें आलू वगैरह नहीं डाला था, तो इसी तरीके से मैं बना ले रही हूँ। और पुआ मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि पुआ की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे पकौड़ी बना ली, और मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा मालपुआ वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं खुशबू रंजन, और आप सभी को जय गुरु। और अभी रात के बज गए हैं 8:30, हम लोग का खाना वाना हो गया है, बस अभी जस्ट किचन क्लीन करके आई हूँ। और आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते थे। कितना पसीना आ रहा है मुझे, मैं फैन ऑन करके रखी हूँ, बहुत गर्मी है। तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है बिहार में, तो ऐसे अगर कढ़ी चावल नहीं पसंद है, नहीं खाने, हाँ एक मिनट पहले बात करने दीजिए, नहीं खाने का मन है तो आप कुछ और बना लीजिए। बट हम लोग तो मैं हस्बैंड से बोली कि क्या खाना है, वो बोले कढ़ी चावल बना दीजिएगा, तो मैं कढ़ी चावल बनाया, कढ़ी एकदम से मस्त, इतना यम्मी बना था बता नहीं सकती हूँ। और मैं आप लोग को उसका, क्योंकि कढ़ी तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना, तो उसका फ़ोटो लेना मैं भूल गई, या वीडियो में करना। और थोड़ा सा चावल ज़्यादा बनाया जाता है, वो चावल में थोड़ा पानी रख कर पानी डाल दिया जाता है, वही हम यूज करेंगे कल खाने में, सुबह सबसे पहले हम उसी को खाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो देखिए मेरा दिखा देती हूँ एक बार, और देखिए मेरा सारा काम हो गया है, गैस भी क्लीन हो गया है, बर्तन भी वहाँ धुल के रख दिए हैं। तो देखिए मेरा कढ़ी इतना सा बचा हुआ है, बाकी सब फिनिश हो गया, मैं बहुत बनाए थे लेकिन फिनिश हो गया, बस इतना ही सा बचा है। और देखिए इसमें चावल है, चावल थोड़ा सा बचा है, इस चावल में पानी डाल के कल सुबह भी इसको खाया जाता है, तो मैं अभी चावल में पानी दे देती हूँ। और सबसे पहले यही चावल सुबह खाएंगे। तो देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन भी हमने धुल दिए हैं, और अब मैं बच्चे लोग भी खाना खा, सब लोग खाना खा लिए हैं, और मैं अब बच्चों को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं फिर वीडियो, और मैं वीडियो तो नाइट में अपलोड करती हूँ, वही 10 से 11, कभी थोड़ा पहले भी कभी थोड़ा बाद, ये तो मैंने टाइम बताया था आपको। तो मैं सोच रही हूँ अब आज तो मैं अपलोड कर दूँगी, एक वीडियो है मेरे पास, और ये वीडियो ये वाला जो है वो मैं सोच रही हूँ कल मॉर्निंग में अपलोड करूँ, क्योंकि अब टाइम सोच रही हूँ मैं चेंज कर लूँ, मॉर्निंग का टाइम कर लूँ वो सही रहेगा, आप लोग बताइएगा कि मॉर्निंग में डालना सही रहेगा या नाइट में, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको भी बात करनी है बैठिए, और मेरी गुड़िया रानी को भी बात करनी है, और कल होली है, आप लोग को एडवांस में हैप्पी होली। बोलिए क्या है।
तुषार। चलिए बात करना है तो कर लीजिए जल्दी से। हेलो बाय। अभी कितने पेन हो रहा है फिर प्रसाद खा रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स चलिए अब आप लोग से हम विदा लेते हैं और कल फिर होली के दिन मिलते हैं और इसमें भी कुछ कुछ हम ऐड करने की कोशिश की जो हम बनाए हैं और मेरी छोटी रानी भी आ गई है थोड़ा इससे भी बात कर लो। क्या खा रहे हैं क्या खा रहे हैं तो सबको बाय कर लीजिए। बाय बाय। चलिए बाय 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 बाय। चलिए बाय टेक केयर फिर मिलते हैं।